ए सते थोरे सा में बा
that you want to give me my love. बचे थारो कोई मार्ग मिल सके है मोक्ष प्राप्त करना को, चलो मारी सीता सतपुरुषा के पास। बोलो क्यों जन्म जन्म का मिटे मेरा तेरा हो है कुबद का, चलो मारी सीता सतपुरुषा के पास। सतपुरुषा के पास जाना सुखाई हुए कि कुबद का नाश कर देता है। संत महापुरुष कुबुद का नाश करके सत्य विचार उनके अंदर डाल दिए और जन्म जन्म को अंधेरों एक आपा भूल गया। कह सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, एक भूली वस्तु बताए दे मेरा सतगुरु है दादा। वो भूली वस्तु जो आपा अनादिकाल से जन्म जन्म कितने बार ये सृष्टि रची जब से हम ये शरीर धारण करके आ रहे हैं, कभी चीड़ी का कभी कमेड़ी का कभी कीड़ी का कभी सर्प का, यानी जितने भी हम ये पशु पक्षी पतंग देख रहे हैं सब का अंदर शरीर धारण करने के बाद में जितना भी कीड़ा मकोड़ा पक्षी है पशु है इतना शरीर धारण करने के बाद में वो मनुष्य को जोड़ा आपने हाथ लागे फिर भूल गया कताई शरीर धारण कर लिया भूलते आ रहे हैं। इतना महापुरुष बताइए कि चालो मारी सुता सतपुरुषा के पास जन्म जन्म का तेरा मिटे मेरा करे कुबद का नाश। चलो मारी सुता सतपुरुषा के पास, सतपुरुषा के पास जाना शुरू तेरा जन्म जन्म का अंधेरा मिट जाएगा। गुरु महाराज के बगैर कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। बोलो कैसे? बोलो गुरु ऐसे सामर्थ होते हैं। बोलो कैसे? कह गुरु भगावे भरमपुर तिगरी भगा दे भान, गुरु भगावे भरम को तिमरी भगा दे भान। सेवा सत्संग बिना गुरु वनी आत्म ज्ञान वनी आत्म ज्ञान जीव निज छोड़ नहीं पावे और दर दर पट के शीश गुरु बिना भेद कोई नहीं। गुरु के बिना ये भेद क्या कोई हो चाहे, गुरु बनाना ही पड़ता है। अब गुरु अनेक है एक नहीं, गुरु अनेक है यानी जिस विषय का जो ज्ञान देता है वो गुरु कहलाता है। नहीं क्या भाई कोई कारीगरी को काम सिखा देना वो भी तो गुरु हुए है। ए फौजी साहब ने बंदूक चलाना सिखा देना वो भी तो गुरु हुए हैं। ट्रेनिंग के टाइम
इसी प्रकार लेकिन एक संसारिक विषयों का गुरु होता है वो अनेक है, और अध्यात्मिक का जो गुरु महाराज होता है सबल गुरु वो एक है। और वो ये अध्यात्मिक का आत्मा का ज्ञान दे सकता है और हमारे बीच में जो भ्रम है उसको दूर गुरु महाराज ही कर सकता है। भ्रम रूपी जैसे सूर्य उदय होता है और अंधकार का नाश कर देता है, इसी प्रकार गुरु महाराज अपने अंतकरण हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य को उदित कर देता है, भांत को उगा देता है, जिससे हमारा भ्रम रूपी अंधेरा भाग जाता है। तो जाय सामर्थ्य के पास जाने से गुरु महाराज की शरणागत होकर और उनके कहे अनुसार अपने जीवन के उतार उस मार्ग पर रमण करने लग जाता है। तो महापुरुषों ने बताया कि संत ग्रंथ की बात को, संत ग्रंथ की बात को मानकर उस पर अपने जीवन में उतार लेता है तो एक दिन वो महापुरुष बन जाता है। ये महापुरुषों का प्रमाण है। तो संता की शरण में जाना चाहिए, वजह चंदा की सेवा करनी चाहिए। क्यों सेवा में तो कई बताया है, कही है कि सेवा सबसे सिरे है, सेवा सबसे सिरे सर्व सुख का मूल, दुख छूटे पातक मीटर चित की भागे भूल, चित की भागे भूल बिना पद ऊंचा पावे, और देवे आदर दान भलाई सबकी। जनाबो भाई हुए कह हुए नीच से ऊंच, हुए नीच से ऊंच अंत में पावे देवा, राम बक्स संत के मिल कर लियो सबकी सेवा। रखे मनुष्य का कर्म है क्या, कह किसन मान मान उस तन पाए के, मान मान उस तन पाए के ले संता से ज्ञान।